हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपने प्रिपरेशन भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8, डैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इससे पहले हम यूनिट 7 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आगे के चैप्टर के साथ लिंक्ड रहते हैं, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप पहले की वीडियोस को जरूर कवर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। ठीक, देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? लेकिन क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी होती है या और कुछ भी होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च टू द डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेस। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ? ट्रांसफर ऑफ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ऑफ नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ। ठीक, सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही ट्रांसफर नहीं करना, बल्कि उसके साथ उसकी जो नॉलेज है उसको कैसे यूज करना है और प्रोडक्ट्स में क्या न्यू चेंजेस किए गए या उस प्रोडक्ट को क्या न्यू इनोवेशन दिया गया, इनोवेटिव तरीके से बनाया गया, ये क्या कहलाता है हमारा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक, दैट which is transferred is often not only really technology but rather a particular kind of knowledge that is precursor of technology। तो मतलब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ही नहीं होती है, बल्कि टेक्नोलॉजी के एक तरह से रूप में क्या होती है, वो हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं वो होती है क्या? नॉलेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूजुअली इन्वॉल्व सम सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय अ ग्रुप विच पोजेस स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स। दिस ग्रुप देन ट्रांसफर्स द टेक्नोलॉजी टू अ टारगेट ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स हु डू नॉट पोजेस दोज स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स एंड हु देयरफॉर कैन नॉट क्रिएट द टूल्स देमसेल्व्स। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो कोई पर्टिकुलर ग्रुप ओन कर रहा है, जो बना रहा है, जिसके पास टेक्निकल स्किल है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक टारगेट ग्रुप को या जो नीडेड ग्रुप है उनको टेक्नोलॉजी भेजता है। क्यों? क्योंकि जो टारगेटेड ग्रुप है उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, टूल्स नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं है जिसके थ्रू वो टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सके। उनके पास इतनी टेक्निकल स्किल्स या मैं कहूँ टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिसके थ्रू वो जो टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सके। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो ग्रुप क्रिएट कर रहा है उस टेक्नोलॉजीज को, वहां से उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या मतलब है। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि टेक्नोलॉजी कितने कितने लेवल्स पे ट्रांसफर होती है, इसको समझते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑपरेशनल लेवल। एट द बॉटम लेवल टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर ऑपरेटिंग अ गिवन प्लांट। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स बेसिक मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड प्रोक्योरमेंट स्किल। तो सबसे पहले लेवल क्या होता है हमारा? ऑपरेशनल लेवल, मतलब कि जहाँ से एक बिल्डिंग, एक प्लांट की वर्किंग शुरू होती है। ठीक, अब वहाँ पे अगर हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, या हम मैं कहूँ तो जो टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है? मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स चाहिए होती है, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस चाहिए होती है। ठीक है, जो बेसिक नीड होती है जब कोई बिजनेस या कोई यूनिट स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या जरूरत होता है कि उसका ऑपरेशनल लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक, सबसे पहला लेवल ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट लेवल। एट द इंटरमीडिएट लेवल डुप्लीकेटिव स्किल्स आर नीडेड विच इंक्लूड इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज नीडेड टू एक्सपैंड कैपेसिटी एंड टू परचेज एंड इंटीग्रेटेड फॉरेन टेक्नोलॉजीज। तो मतलब कि डुप्लीकेट लेवल में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, बिजनेस को एक्सपैंड करें और जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अडैप्टिव लेवल और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस लेवल। एट दिस लेवल इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज आर अडोप्टेड and improved and design skills for more complex engineering are learned।
अब इस लेवल पे क्या होता है कि जो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है हम उसको इजीली अडैप्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी करते हैं। क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी बाहर से बन के आ रही है वो वहाँ के लिए ज़्यादा फीजिबल हो सकती है। हो सकता है जब आपकी जिस कंट्री में जो टेक्नोलॉजी आप लेके आए वो इतनी ज़्यादा फीजिबल ना हो, या आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत हो, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर देंगे अगर नीडेड होंगे, एंड डिज़ाइन स्किल्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग आर लर्न। और कुछ अगर स्किल्स की ज़रूरत है या कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनको भी हम सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनोवेटिव लेवल। दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनोवेटिव स्किल्स बेस्ड ऑन फॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा नीडेड टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स और टू जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब कि इनोवेटिव लेवल में क्या करते हैं, जो भी इनोवेटिव स्किल्स हैं हमने जो यूज की थी अपनी प्रीवियस टेक्नोलॉजी में, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, देखते हैं कि अगर उसमें कुछ चेंज की जरूरत है तो वो चेंज करते हैं, ठीक, इम्प्रूव करते हैं, और अगर लगता है कि कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी बनानी है तो न्यू टेक्नोलॉजी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेवल्स भी क्लियर हो गए। अब आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब समझते हैं हम रैशनल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब कि व्हाट इज द नीड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमारा इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ इनोवेटर्स एंड लैक ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटीज ऑन देयर पार्ट ऑफन रिक्वायर टेक्नोलॉजी टू बी ट्रांसफर टू बिजनेस फर्म्स फॉर कमर्शियल यूज। तो अगर हमारी कंट्री के इनोवेटर्स के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है या वो इतने केपेबल नहीं हैं कि टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकें या बना सकें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को फॉरेन कंट्री से ट्रांसफर करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपिंग कंट्रीज विच आर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड नीड टू अक्वायर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू इंश्योर फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इम्प्रूव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जो कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, या मैं कहूँ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको अगर राइज करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द साइंटिस्ट और इंजीनियर हु इनोवेट्स न्यू टेक्नोलॉजी डज नॉट जनरली हैव द एंटरप्रेन्योरियल एक्सपर्टाइज टू बी द फर्स्ट मूवर। अब जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो कि हमारे यहाँ इनोवेटर्स होते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, अगर उन्हीं में ही वो एक्सपर्टाइज नहीं है और फर्स्ट मूवर नहीं है, मतलब फर्स्ट मूवर का मतलब हो गया जो इनिशिएट करें खुद से, ठीक है, तो अगर उनमें वो स्किल्स नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशंस एंड द फास्ट पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि कुछ कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इसलिए भी करती हैं ताकि वो ग्लोबल मार्केट में अपनी एक जगह हमेशा बनाए रखें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं वो उनके साथ अपडेटेड रहें और कंपटीशन में बनी रहे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सिंस अ कमर्शियली सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स यूटिलिटी द बायर फाइंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव टू बाय द टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो उसने कमर्शियली सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी घोषित हो चुकी है, उसने अपनी यूटिलिटी दिखा दी है, बिजनेस एंटरप्राइजेस ने उनको यूज कर लिया है, तो अब जो नया बायर है उसको पता है कि वो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है पिछले टाइम में, तो क्या करेगा, उसी टेक्नोलॉजी को इजीली ट्रांसफर कर लेगा, ना कि वो सोचेगा कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी को बनाए या उसमें कुछ चेंजेस करे। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, और आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक। जब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लगता है, ठीक है। उससे वजह से क्या होता है कि जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो जो कस्टमर्स के फीडबैक होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, है ना। अब कोई अगर नया बायर मार्केट में आता है और वो उस प्रोडक्ट को देखता है तो क्या करेगा, तुरंत ले लेगा, क्यों, क्योंकि उस कंपनी ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी मार्केट अपनी क्रिएट कर ली है, इतनी गुडविल उसकी क्रिएट हो गई उस प्रोडक्ट को लेके, कि जो नया बायर है वो भी क्या करेगा,
उसको लेना चाहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा ही है कि जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट में सक्सेसफुल है, तो जो नया बायर है वो रिस्क ना लेके कोई दूसरी टेक्नोलॉजी का वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी ट्रेंड में टेक्नोलॉजी है या जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, उसी को परचेज कर लेगा। ठीक, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। अब समझते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है, इट डिसिमिनेट्स द पब्लिक फंडेड टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स फॉर द स्पीडी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉन्सिक्वेंशियल मोमेंटम टू सस्टेन नेशनल डेवलपमेंट। तो अगर हम टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज हमारी उनको क्या मिलेगी, स्पीडी ग्रोथ मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वो भी डेवलप होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिड्यूसेस इंडस्ट्रीज टाइम एंड मनी ऑन R&D, थस एक्सेलरेटिंग कमर्शियलाइजेशन। मतलब कि जब हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या इंडस्ट्री का टाइम बच जाता है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, टेक्नोलॉजी अपने आप मिल जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमर्शियलाइजेशन बढ़ जाता है। अब कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट में लेके आना। ठीक, अब जब इंडस्ट्रीज का टाइम टेक्नोलॉजी को फॉर्म करने में बच गया, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बच गया, तो वो टाइम कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इम्पार्ट्स हाई टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स सच एज क्वालिटी अश्योरेंस, रिलायबिलिटी प्रैक्टिसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्किल्स इनटू इंडस्ट्री। तो जब हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, क्वालिटी अश्योरेंस, रिलायबिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक सिखाती है और डिफरेंट स्किल्स इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड सर्विसेज दैट लीड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ग्रेटर मार्केट शेयर एंड इंक्रीज्ड प्रॉफिट। अब जब टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगी तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज होंगे, इफेक्टिवनेस के साथ बनेंगे। ठीक, जिसके वजह से क्या होगा, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंक्रीजेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जब हमारी कंपनी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गई, एफिशिएंट हो गई प्रोडक्ट्स को बनाने में, मार्केट शेयर बढ़ गया, प्रॉफिट्स इंक्रीज कर गए, तो ग्लोबल इकोनॉमी में इजीली इंडियन इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पिटिशन कर सकती हैं। ठीक है, तो आई होप बेनिफिट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। अब मुझे नहीं लगता मुझे आपको ट्रेंड्स का मतलब समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया एडिक्टेड पीपल हैं, तो ट्रेंड्स का मतलब सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ परवेसिव पार्ट ऑफ वर्क एनवायरमेंट। बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स हैव कम टू यूज टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस मैनुअल लेबर, इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस एंड ऑल्सो चेंज द मेथड ऑफ ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी के यूज ने क्या बना दिया है एनवायरमेंट को, परवेसिव मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब ऑलराउंडर टाइप का बना दिया है। ठीक, तो जितनी भी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स हैं वो टेक्नोलॉजीज को यूज करके मैनुअल लेबर को रिड्यूस कर रही हैं, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर रही हैं, कस्टमर सर्विस को और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं और अपने मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस में भी चेंजेस ला रही हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड नॉट ओनली इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बट ऑल्सो इन इम्प्रूविंग द सर्विस सेक्टर एज वेल। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ जो आपका इंडस्ट्रियल रीजन है उसको ही ना बूम देके या एग्रीकल्चर सेक्टर उसको ही ना बूम देके सर्विस सेक्टर में भी काफी ज्यादा मेन रोल प्ले कर रही है। क्यों, देखिए, क्योंकि जब आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, अगर आप इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी अगर आप रीसेंट यूज कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। जब प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जल्दी हो जाएगी तो आप कस्टमर्स के पास भी प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे, जिससे आपका कस्टमर बेस भी अच्छा बन जाएगा। और कस्टमर बेस अगर अच्छा बन गया तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अचीवमेंट ऑफ हायर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड सर्विस इंडस्ट्रीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज टू फैसिलिटेट जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एंड
सप्लायर। देखिए जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते थे वो ट्रेडिशनली पेपर पे काम करते थे, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से काफी ज्यादा सिनेरियो चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पिक्चर में आया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू बिजनेस इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनिक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या होगा, काफी ज्यादा क्विक होगा इन कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशन वे था उनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म आर ऑल्सो गेटिंग ग्लोबलाइज बिकॉज अ नंबर ऑफ TNCs आर इंक्रीजिंगली एस्टैब्लिशिंग देयर R&D यूनिट्स इन वेरियस कंट्रीज। अब रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ग्लोबलाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो TNCs हैं, दैट इज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, वो क्या कर रही है, अपनी R&D यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है। अब ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। अब हमने बात कर ली कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की, क्या नीड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की, लेकिन हमको ये भी जानना होगा कि क्या क्या इश्यूज हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से आते हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हमारा, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी सपोज टू बी एप्रोप्रिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द होस्ट कंट्री। अब जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा रहा है, उस कंट्री के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी है नहीं, उस कंट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या फायदा है उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का, ठीक। There are cases in which technology transfer has been irrelevant and inappropriate to the recipient countries socio-economic priorities and in conflict with national ethos. मतलब कि अगर होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग, होस्ट कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, इररिलेवेंट है, इनअप्रोप्रिएट है, तो क्या फायदा है ऐसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का, जिसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द रोल ऑफ MNCs इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस इन द होस्ट कंट्रीज आर नोन टू हैव अ डिटरेंट इफेक्ट ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। अब जो MNCs हैं वो नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को क्या करी, होस्ट कंट्री में लेके आई, जिसकी वजह से हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो हमारी स्वदेशी, जो हमारी ओरिजिनल टेक्नोलॉजीज हैं, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही हैं। क्योंकि जब MNCs नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके, तो हमारे जो लोकल मार्केट्स है, लोकल इंटरप्राइजेस हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट्स और MNCs के प्रोडक्ट्स में फर्क होगा, राइट। जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारी मार्केट है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, वो काफी ज्यादा हैम्पर होने लग जाएगी, ठीक है, तो हमारे जो डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर काफी बुरा इम्पैक्ट आएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फॉरेन इंटरप्राइजेस विद सुपीरियर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन मेनी केसेस हैव सब्ड्यूड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप वाइल स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट सफर्ड द मोस्ट। जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पॉइंट पे बात की कि फॉरेन एंटरप्राइजेस जो कि बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी वाइज और कॉम्पिटिटिव हैं, वो क्या करेंगे, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको काफी ज्यादा अफेक्ट करेंगे और हमारे जो स्मॉल बिजनेस यूनिट हैं वो बहुत सफर करेंगी, ठीक। If a country desires to attract FDI, it is forced to liberalize its technology policy, resulting in increased vulnerability of a large number of developing countries. अब अगर हमें अपनी कंट्री में FDI लाना है तो हमें अपनी पॉलिसीज को काफी लिबरलाइज करना पड़ेगा, उनकी जो एंट्रेंस है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा किया तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो FDI आएगा, जो कंट्रीज FDI लेके आएंगी, वो क्या करेंगी, काफी ज्यादा हमारी मार्केट को कैप्चर भी कर लेंगी और हमारे ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द कॉस्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज सेड टू बी पोजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द न्यू आउटफ्लो ऑफ कैपिटल बाय वे ऑफ रॉयल्टीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड टेक्निकल फीस। अब
अब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर उनकी कंट्री में एफडीआई आता है या तो कोई बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में एफडीआई आता है, तो उस टाइम पे जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको भी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो हमारी क्या कैपिटल आउटफ्लो भी बहुत ज्यादा होगी। तो हो सकता है हमारी कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा हो और इनफ्लोस कम हो। अब कैपिटल आउटफ्लो किस फॉर्म में होगी? रॉयल्टीज के फॉर्म में, डिविडेंड इंटरेस्ट के फॉर्म में और टेक्निकल फीस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इशू है जो लेस डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि जो कंट्री ऑलरेडी लेस डेवलप्ड है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो इतना ज्यादा कहाँ से पे करेगी। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हम अब समझ लेते हैं कि टेक्नोलॉजी मार्केट क्या होती है। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ऐसी मार्केट जहाँ पे टेक्नोलॉजीज को खरीदा या बेचा जाता हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मार्केट इज अ मार्केट वेयर टेक्नोलॉजीज परचेज एंड सोल्ड फॉर अ प्राइस। तो परचेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी हैव थ्री मेन रीजंस ऑफ फॉर परचेजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को क्यों परचेज करते हैं, उसके कुछ तीन रीजंस हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन है, इनोवेटिंग अ न्यू प्रोसेस और अ प्रोडक्ट बाय अ फर्म इज कॉस्टलियर देन बाइंग टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। इट इज ऑफन सेड दैट वन डज नॉट नीड टू इन्वेंट अ व्हील अगेन एंड अगेन। मतलब कि जो इनोवेटर्स हैं, अगर वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं या नई टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको कॉस्ट ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू अगर वो टेक्नोलॉजी को परचेज कर लेते हैं, ठीक। अब इस लाइन का मतलब क्या है, वन डज नॉट नीड टू इन्वेंट अ व्हील अगेन एंड अगेन, मतलब कि जो चीज ऑलरेडी एक बार बन चुकी है उसको दोबारा बनाने की क्या जरूरत है। तो ठीक है, सेम टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन चुकी है तो उसी चीज पे दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की या उसमें इनोवेशन लाने की क्या जरूरत है, वो जो टेक्नोलॉजी है उसको ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिंस अ कमर्शियली सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स यूटिलिटी, द बायर फाइंड्स अट्रैक्टिव टू बाय द टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट ऑलरेडी हम अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ फर्म विच हैज नो इंटेंशन टू बिकम अ लीडर इन द मार्केट ईदर बाय इनोवेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू प्रोसेस वुड फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू बाय द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ओनर विच इज मोस्ट ऑफन अ टीएनसी देन टेकिंग द रिस्क ऑफ इनोवेटिंग अ सिमिलर टेक्नोलॉजी। की जो फर्म्स का इंटेंशन नहीं है कि वो एक लीडर बने या ग्लोबल मार्केट में स्टैंड आउट करें, वो फर्म्स क्या करती हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो ही क्या करती हैं, ओनर से खरीद लेती हैं, ना कि रिस्क लें कि वो एक सिमिलर टेक्नोलॉजी को बनाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी मार्केट क्या होती है और क्या रीजंस हैं जो टेक्नोलॉजी को परचेज किया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। और देखिए, अगर कुछ टॉपिक्स बीच में छूट जाते हैं तो प्लीज़ आप उनको खुद से भी कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं हर एक टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगी तो इट विल टेक टाइम और आपका सिलेबस भी नहीं कम्प्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या पेपर में जो भी टॉपिक्स आए हैं मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी। लेकिन अगर कुछ टॉपिक्स मैं छोड़ रही हूँ तो प्लीज आप उनको खुद कवर कर लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक्स ईजी हैं इसीलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं, ठीक है, ताकि आप खुद भी कुछ मेहनत करिए। देख, एफर्ट दोनों तरफ से लगेगा, कॉपरेट दोनों को ही करना पड़ेगा। थोड़ा एफर्ट मुझे डालना पड़ेगा, थोड़ा आपको, लेकिन मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा सकूँ, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि आप मुझे बता दीजिए आपके आपको कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, तो मैं उन्हीं पे आपको वीडियोस बना के दे दूँ। तो जैसा आप ठीक समझिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।